ऐसे सुनो फंगाई तो दिमाग में आना चाहिए मशरूम। ठीक है, ये जो अपने मशरूम है, आई डोंट नो तुम लोग को पसंद है खाने में या नहीं, मेरे को तो नहीं अच्छे लगते हैं। तो ये जो मशरूम है ये आता है फंजाई के अंदर। ठीक है, और तुमने देखा है कभी कभी अपन लोग ब्रेड को सामने रख देते हैं तो मतलब खुले में रख देते हैं, तो कुछ दिनों बाद उसमें ऐसा ग्रे ग्रे ग्रीन ग्रीन कुछ उग जाता है, ये जो दिख रहा है ना, ये भी इनफैक्ट एक फंजाई होता है। और ये तुम लोग इसको माइक्रोस्कोप के अंदर डालोगे ना तो तुम लोग को ऐसे दिखेगा कि ये ना बहुत सारा ऐसा नेटवर्क बनाया होता है। अपन लोग एक्चुअली देखेंगे, ठीक है, माइक्रोस्कोप के अंदर कैसे दिखता है इसको देखेंगे, ऐसा दिखता है। ठीक है, हाँ, तो ये भी है अपना फंजाई। और तुम लोग को बहुत से मशरूम के रिश्तेदार दिखते हैं, ठीक है, उनमें से सब लोग को नहीं खा सकते हैं, कुछ लोग पॉइजनस भी होता है ना, तो ये भी फंजाई में आते हैं। प्लस ये देखो, ये चुन्ने मुन्ने जो दिख रहे हैं इनका नाम होता है लाइकन, ये भी फंजाई, एक्चुअली फंजाई एग्जैक्टली नहीं बोलना चाहिए, पर ये होता है, ये एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है। ठीक है, मतलब ना क्या हुआ, एक ज़माने में एक एल्गी रहता था। ठीक है, एल्गी क्या होता है, एल्गी होता है बहुत छोटा सा प्लांट। ठीक है, उसके पास रूट तक नहीं होती है। ठीक है, उसके उसके जैसे ये मान लो, ये एक एल्गी है, ठीक है, तो इसके पास खूब सारा क्लोरोप्लास्ट होगा जिससे वो खुद का खाना बना सकता है, पर इसके पास ना कोई रूट ही नहीं है। ठीक है, और स्टेम और लीफ भी नहीं होते हालांकि, पर मेन बात है कि इसके पास रूट ही नहीं है। ठीक है, पर ये चाहता है कि ये यहाँ पे जिंदा रहे, लैंड में वो जिंदा रहना चाहता है। ठीक है, वो चाहता है कि मैं इस पेड़ में उग जाऊँ या इस पत्थर में उग जाऊँ। ठीक है, इसने ऐसी ठान ली है, पर ये खुद से नहीं कर सकता है, ये इसको पता है ये बात, तो क्या करता है वो ना दोस्ती कर लेता है एक फंजाई से। ठीक है, और तुम लोगों को पता है फंजाई की बॉडी, अपन जैसे मशरूम को सोचा है तो अपन को लग रहा हो कि अच्छा मशरूम मशरूम की तरह दिखता है फंजाई, पर ना ये तो सिर्फ फंजाई का जो मशरूम है ना, जिस जो फंजाई ने बनाए मशरूम, ये जो अपन को स्ट्रक्चर दिखता है मशरूम जिसको अपन खाते हैं, ये पता है ये सिर्फ उसकी फ्रूटिंग बॉडी होती है। फ्रूटिंग बॉडी बोले तो वो यहाँ पे अपने बच्चे को बना रहा होता है। ठीक है, इसकी असल बॉडी ना ये इसके ग्राउंड के नीचे होगी। ठीक है, ऐसे ऐसे रेशेदार बॉडी होती है इनकी, खूब सारे रेशेदार। ठीक है, सारे के सारे फंगस, ऑलमोस्ट सारे के सारे फंगस रेशेदार बॉडी के होते हैं। ठीक है, तो मतलब तुम लोग समझ रहे हो, यदि एल्गे ने देख लिया कि भाई फंजाई की बॉडी तो बड़े रेशेदार है यार, और मेरे पास तो एक भी रूट नहीं है, कैसा होगा, ये तो मैंने ऐसे बनाया था ना, इसके पास नहीं होता रूट्स, तो ये क्या बोलता है, ये बोलता है कैसा होगा यदि मैं इस फंजाई से दोस्ती कर लूँ और मैं इसको बोलूँ कि यार सुनना, तू ना क्या कर, यहाँ से नीचे से पानी को अब्जॉर्ब कर और उसको लेके मेरे लिए आ जा, है ना। तो फंजाई बोलता है अच्छा मैं ऐसा करूँगा तो मेरे को क्या मिलेगा, तो उसे बोला देख भाई तेरे को मालूम है तू अपना खाना नहीं बना सकता है ना, पर मैं तो बना सकता हूँ, मैं जो भी खाना बनाया मैं उससे तेरे को दे दूंगा और बदले में तू मेरे को पानी ला के दे, हाउ अबाउट दैट। ठीक है, तो इन लोग बोलते हैं चलो भाई अच्छा बहुत सॉलिड आइडिया, अपन लोग मिलके बिजनेस करते हैं। ठीक है, दिस इज बिजनेस, ये चल रहा है यहाँ पे। तो अब इन लोग की दोस्ती हो गई और इन्होंने साथ में रहना शुरू कर दिया। ठीक है, तो जब इन लोग साथ में रहना शुरू कर देते हैं ना, तो हम लोग ऐसी ऐसे एसोसिएशन को बोलते हैं लाइकन। ठीक है, इनका जो एकदम टूटने बिना कभी नहीं टूटने वाला एसोसिएशन बन जाता है उसका नाम है लाइकन। ठीक है, जिसमें एक एल्गल पार्टनर होता है और एक फंगल पार्टनर होता है। ठीक है, पर इन लोग ना इतने पास पास रहते हैं, इतने एक दूसरे से मिल जाते हैं ना कि कोई बता ही नहीं सकता है कि इस लाइकन में कहाँ है एल्गी और कहाँ है फंगाई। ठीक है, इन लोग एक दूसरे में इतना मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये देखो ये मैंने ड्रॉ किया, ये जो है ना ये है फंगाई। ठीक है, ये जो रेशेदार है ये इसका, इसको बोलते हैं हम लोग हाइफे। ठीक है, और हाइफे क्या करता है, हाइफे ऐसे जाता है, अंदर अंदर घुस जाता है, सॉइल के अंदर घुस गया या इवन रॉक के अंदर। ठीक है, पत्थर के अंदर, पत्थर के ऊपर भी उग सकते हैं लोग, और अंदर घुस घुस के देखेगा जहाँ पे भी इसको पानी मिल जाता है तो वो फटाक से चूस लेगा और पूरा लेके जाएगा एल्गी के पास। ठीक है, हाइफे अब्सॉर्ब करता है पानी और न्यूट्रिएंट को एल्गे के लिए। ठीक है, और एल्गा क्या करता है, एल्गा बदले में खाना बनाता है और उसको खाना भी खिलाता है ना। तो यही चलता है भाई अपना लाइकिन, ऐसे ही चल रहा है परस्पर, है ना, लेन देन से। एल्गे दे रहा है फूड फंगस को और फंगस दे रहा है बदले में वाटर और न्यूट्रिएंट एल्गे को, है ना। ठीक है, बढ़िया। तो अच्छा, फाइनली हम लोग आ जाते हैं किंगडम फंजाई के कुछ कुछ बेसिक फीचर्स में। बेसिक फीचर क्या हो गया इसके, क्या ये यूकेरियोटिक है या प्रोकेरियोटिक है? यार अपन को पता है कि प्रोकेरियोट्स को तो हम लोग बहुत पीछे छोड़ा है, किंगडम मोरेना में ही छोड़ा है, अब तो आगे सारा का सारा जो भी है यूकेरियोट है ना। तो क्या ये लोग मल्टी सेलर है या यूनिसेलर है? तो देखो, ज़्यादातर जो फंगाई होते हैं ना अपन देख सकते हैं उनको, तुम लोग देख सकते हो कि तुम्हारे ब्रेड में कुछ कुछ उग गया है, तुम लोग देख सकते हो मशरूम को, है ना, मतलब कि ज़्यादातर हम लोग होते हैं मल्टी सेलर। ठीक है, पर कुछ कुछ यूनिसेलर भी होते हैं, एक ही सेल वाले, और इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ईस्ट, YEAST, ईस्ट। ये क्या होता है, ये ना एक छोटू सा यूनिसेलर फंगस होता है जो ना अपनी बहुत मदद करता है
ब्रेड बनाने में और शराब बनाने में, बियर, ठीक है, दोनों चीजों को अपन ईस्ट के बिना नहीं बना पाते है। ओके, ऐसा दिखता है, ऐसा ऐसा सब दिखता है, ठीक है। कभी कभी अपने ऊपर एक और बच्चे को गायन लगता है, इसको बडिंग बोलते हैं, ठीक है। तो ये सब, ये भी फंगस होता है। अच्छा, और इनका खाना क्या, खाने का क्या सीन है भाई? तो अपने देख लिया कि यार ये खाने के जो गाड़ लगाने के लिए इसने तो एल्गी से भी दोस्ती कर ली थी, है ना, और उसके साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहने लगा था। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ये लोग अपने खाना नहीं बना सकते हैं, ये लोग हैं हीटरोट्रॉप्स, है ना। तो हीटरोट्रॉप्स में इनका फेवरेट तरीका क्या है खाना खाने का? तो दो इनके फेवरेट तरीके हैं, ठीक है। सबसे पहला है सैप्रोफाइट और नंबर टू पैरासाइट। पैरासाइट बोले तो क्या, पैरासाइट ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो किसी लिविंग होस्ट की बॉडी में रहते हैं, ठीक है। जैसे कि लाइस भी एक पैरासाइट होता है ना, मतलब जुएं, ये भी एक पैरासाइट होता है ना, बिल्कुल वैसे ही ना। क्या होता है, कुछ कुछ लोगों के स्किन में कुछ कुछ डिजीज हो जाते हैं, तुम लोगों ने देखा होगा, है ना, ऐसे कुछ कुछ दाग आ जाते हैं, या फिर कभी कभी तो खुजली हो जाती है ना, ऐसा अजीब सा ऐसा गोल गोल सा बन जाता है, उसमें खुजली होने लगती है। तो ये कौन कॉज करता है? ये कॉज करता है फंगस अपना, ठीक है। फंगस बहुत, मतलब बहुत से स्किन डिजीजेस के लिए फंगस रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है, खुजली भी होने लगती है कभी कभी। हाँ, तो एक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है पैरासिटिक, दूसरा है सैप्रोफिटिक। सैप्रोफिटिक में क्या होता है, इन लोग ना किसी पैरासिटिक में कोई लिविंग होस्ट की बॉडी में रह के उसको खा रहे होते हैं। सैप्रोफिटिक में इन लोग क्या करते हैं, किसी डेड होस्ट की बॉडी में रहते हैं, ठीक है। जैसे मान लो कि तुम लोगों ने देखा होगा कि कभी कभी लकड़ी पड़ी रहती है, बारिश हो रही है और लकड़ी पड़ी हुई है, ठीक है। ये मान लो, ये मैं ड्रॉ कर रही हूँ, ये एक लकड़ी है, ठीक है, ये पड़ी हुई है बहुत दिनों से, एक दिन बारिश हो गई, ठीक है। तो अब इस लकड़ी को, ये लकड़ी हो गई है मॉइस्ट, ठीक है। तो जैसे ये मॉइस्ट हुई ना, तो इसमें अपन लोग देखते हैं कि कुछ टाइम बाद उगने लगता है इसके ऊपर मशरूम, और मशरूम के कुछ कुछ रिश्तेदार, है ना, ऐसे से उगने लगते हैं, है ना। तो ये जो अपन को ऊपर दिख रहा है, अपन ने देख लिया था, ये तो इसकी फ्रूटिंग बॉडी होती है, इसकी असली बॉडी तो इसके अंदर उगी होती है, ठीक है, ऐसे रिश्तेदार बॉडी होती है, ठीक है। हाँ, तो ये क्या करता है, ये ना बोलता है कि अपन को तो भले ही ये देखने में लग रहा है, अरे यार छी कितना गंदा सा लकड़ी पड़ा हुआ है, पर इसको लगता है वाओ सो यमी, ठीक है, इस मशरूम को लगता है कितना यमी है ये। और ये पता है क्या करता है, ये ना इसको डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम्स बनाता है, ठीक है, एंजाइम्स बना बना के इसके ऊपर छोड़ता रहता है, ठीक है, इसके ऊपर ये छोड़ता रहता है एंजाइम्स, खूब सारे एंजाइम्स, डाइजेस्टिव एंजाइम्स। देखो भाई, तुम्हारे पास पेट है, तो तुम लोग को जब भी किसी चीज़ को डाइजेस्ट करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उस खाने को पूरा लेके अपने पेट में जाएंगे और पेट में एंजाइम्स छोड़ते हैं, है ना। पर मशरूम के पास तो पेट नहीं है, तो क्या करता है वो ना एंजाइम्स बना बना के बाहर छोड़ता है, जो भी इसको खाना है उसके ऊपर, ठीक है। तो ये एंजाइम छोड़ता जाएगा, और इस एंजाइम से क्या होता है, अपने जो लकड़ी होती है वो धीरे धीरे डाइजेस्ट होने लगती है, ठीक है, और डाइजेस्ट होने लगती है। तुम लोग को सोचने में कितना अजीब लग रहा होगा ना कि ये क्या कर रहा है, ये सड़ा रहा है खाना, है ना। तो ऐसे ही करता है, बाहर सड़ाता है खाना, और फिर ना इसके जो ये हैं रेशे रेशे हाइफे, इससे क्या करेगा, ये अब्जॉर्ब कर लेगा डाइजेस्टेड खाने को, ठीक है। तो ये सड़े हुए खाने, पहले खाना को सड़ाएगा बाहर अपनी बॉडी के, और फिर उस सड़े हुए खाने को डाइजेस्ट करता है, ठीक है। तुम लोग को सुनने में लग रहा होगा वेरी ग्रोस, ठीक है, पर हम लोग यही करते हैं यार, हम लोग अपने बॉडी के अंदर ना खाने को सड़ाते हैं, ठीक है। इमेजिन करो, तुम लोग ने सबने कभी कभी ना कभी किया होगा वॉमिट, है ना, या प्यूकिंग, कभी कभी तो प्यूक किया होगा ना। तो जो भी अपने पेट के अंदर से निकलता है खाना, आई डोंट वॉन्ट यू टू इमेजिन, पर हाँ पता है ना वो कैसा होता है, तो बिल्कुल वैसे ही, ठीक है। अपन सब लोग यही करते हैं, खाने को सड़ाते ही हैं, ठीक है, सारे सारे हीटरोट्रॉप्स ही करते हैं, ठीक है। चलो, तो तुम समझ गए होगे कि सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन क्या होता है, ठीक है। इसमें कोई भी डेड, ये लकड़ी डेड ही तो है यार, है ना, ऐसे ही ना इन लोग कोई और ऑर्गेनिज्म के साथ भी कर सकते हैं। लकड़ी सबसे क्लीन एग्जांपल लगा था मेरे को, इसलिए मैंने उसको दे दिया, ठीक है। इसलिए ऐसा होता है कि कोई भी एनिमल मर जाता है तो अपन को बास आने लगती है ना, ऐसा होता है कुछ कुछ सड़ रहा है, असल में सड़ रहा होता है वो, ठीक है। असल में ये लोग होते हैं मशरूम के टाइप के लोग, जो कि सड़ा रहे होते हैं उसकी बॉडी को, ठीक है। अच्छा, अब क्या इसमें सेल वॉल होती है, तो अपन बोलते हैं जी हाँ बिल्कुल, इनके पास सेल वॉल होती है, सबके सबके पास, और बनी होती है इनकी सेल वॉल काइटिन की, ठीक है। कुछ लोग इसको चाइटिन भी बोलते हैं, तुम लोग का जो मन हो बोल सकते हो, ठीक है। और इसका एग्जांपल क्या हो गया, अपना मशरूम हो गया, ब्रेड मोल्ड, वो जो ब्रेड में ग्रीन ग्रीन उगता है ना, उसको ब्रेड मोल्ड बोलते हैं, या फिर राइजोपस भी बोलते हैं उसको, ठीक है। और ईस्ट, ईस्ट जो कि अपनी मदद करता है ब्रेड और बियर बनाने में, ठीक है। अब ये क्या है, ये इसमें ना इन लोग देख रहे हैं, जो अपन का ब्रेड में उग जाता है ना, उसको देख रहे हैं इन लोग। अच्छा, इनके पास टमाटर मिल गया है, जिसके पास उग गया है ब्रेड मोल्ड खूब सारा, सॉरी फंगस उग गया है पास। ये देखो ऐसा दिख रहा है, ये तुम लोग को दिख रहा है रेशेदार सी बॉडी है, उसके ऊपर जो ब्लैक ब्लैक स्पॉट उग रहे हैं ना, ब्लैक ब्लैक स्पॉट असल में इनके
स्पोर्स होते हैं जिनको हम लोग सोच सकते हैं कि ये बीजों की तरह है, सीड की तरह है। ठीक है, ये देखो ये इनकी बॉडी होती है। ठीक है, आगे बढ़ाते हैं हम लोग, ऐसे दिखते हैं लोग। ठीक है, ये होती है इनकी असली बॉडी। ओके, ये सारे सारे इनके स्पोर्स हैं और इन स्पोर्स को ये फैलाते रहते हैं बाहर। ओके, तो देख लिया हम लोगों ने काफी। अब हम लोग मूव ऑन कर जाते हैं किसमें, हम लोग मूव ऑन कर जाते हैं बाकी के दो किंगडम में, जैसे कि किंगडम प्लांट है। भाई हम लोग जब भी प्लांट को सोचते हैं तो हम लोग को ऐसा लगता है कि सारे सारे प्लांट्स ऐसे होंगे, हरे कलर के होंगे, ग्रीन होंगे। उनके पास होगा रूट, उनके पास होगा स्टेम, उनके पास होगी लीफ, और उनके पास उग रहे होंगे सुंदर सुंदर फूल, है ना, ऐसा हम लोग सोचते हैं। और कुछ कुछ लोग अपन को यम यमी फ्रूट्स भी देते हैं, तो ये हम लोग सोचते हैं प्लांट्स के बारे में, है ना। तो तुम लोग कैसा होगा यदि मैं तुम लोग को बताऊं कि कुछ कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कि ग्रीन होते ही नहीं है। इसको देखो, ये भाई साहब को पूरा का पूरा लाल है, है ना। कुछ कुछ प्लांट्स होते हैं रेड, कुछ कुछ प्लांट्स होते हैं पूरे के पूरे ब्राउन, उनमें कुछ भी ग्रीन होता ही नहीं है। और ये तो ठीक है, इसके अलावा उनके पास ना तो रूट होते हैं, ना ही स्टेम होते हैं, ना ही लीफ होता है। हाँ नहीं, मजाक नहीं कर रही हूँ मैं। और कुछ कुछ प्लांट्स इतने छोटे होते हैं कि उनको देखने के लिए हमको माइक्रोस्कोप लगता है, माइक्रोस्कोप बिना हम लोग देख ही नहीं सकते उसको। ठीक है, तो अपन को देखने इतने सारे अजीब अजीब प्लांट्स के बारे में देखते हैं हम लोग, पर वो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, जो डेडिकेटेड होगी सिर्फ प्लांट्स में। ये देखो, ये सब लोग प्लांट्स हैं, भले हम लोग को लगे प्लांट टाइप का या नहीं लगे, ये सारे के सारे प्लांट्स हैं। ठीक है, ठीक है। और जो हम लोग ये एंजियोस्पर्म्स जो है ना, ये टिपिकल प्लांट्स जो हम लोग इमेजिन करते हैं ना, वो सब सबके सब एंजियोस्पर्म्स होते हैं, जो कि किंगडम प्लांटे के अंदर का डिवीजन होता है। ठीक है, बट ये लोग में भले कितने भी डिफरेंसेस हो, इनमें कुछ कुछ कॉमन ट्रेट्स होते हैं, जैसे कि क्या, जैसे कि सबके सब यूकेरियोट्स हैं, सबके सब अपना खाना खुद बना सकते हैं, मतलब ऑटोट्रॉफिक है। सबके पास सेल वॉल भी है, और वो सेल वॉल बनी हुई है सेल्युलोज की। ठीक है, और सारे के सारे मल्टी सेलुलर है ना, उनमें से कुछ कुछ बहुत कम यूनिसेलुलर भी होते हैं। ठीक है, तो ये सारे ट्रेट्स कॉमन है अपने किंगडम प्लांटे के मेंबर्स में। ठीक है, और हम लोग किंगडम प्लांटे को डिटेल में पढ़ेंगे दूसरे वीडियो में। ओके, अब आ जाते हैं हम लोग किंगडम एनिमेलिया में। किंगडम एनिमेलिया भी बहुत बड़ा है, खूब ज़्यादा वैरायटी है इसमें, खूब ज़्यादा वैरायटी। ठीक है, इनफैक्ट हम लोग ने जो भी किंगडम पढ़ लिया ना, मोनेला को छोड़ दो, बैक्टीरिया वाले को छोड़ दो, और उनके अलावा सबको कंबाइन कर लो, तो भी उनमें इतनी स्पीशीज नहीं दिखेंगी जितनी एनिमल्स में दिखती हैं हम लोग को। किंगडम एनिमेलिया के अंदर जितनी स्पीशीज दिखती हैं, ठीक है, तो खूब भयंकर भयंकर वैरायटी इसमें। ठीक है, पर इतने वैरायटी होने के बावजूद इनमें कुछ कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे कि सारी यूकेरियोट्स हैं, और सबकी सेल वॉल नहीं होती है, किसी के पास भी सेल वॉल नहीं होगी। ठीक है, इसलिए हम लोग गुगली गुगली पूछ हैं, सॉफ्ट सॉफ्ट है हमारी स्किन, है ना, क्योंकि हमारी जो सेल्स हैं उनमें सेल वॉल नहीं है, है ना। और प्लांट के पास सेल वॉल है, इसलिए वो स्ट्रॉन्ग है उनकी सेल्स। ठीक है, ओके। मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है भाई, हम लोग को पता है कि हम लोग में से कोई भी खाना नहीं बना सकता है, है ना। ऐसा नहीं कहता हम लोग ना कि मम्मी रुको ना, मैं थोड़ी देर धूप में खड़ी हूँ, मैं थोड़ा खाना बनाई हूँ, लेट मी डू सम फोटोसिंथेसिस, नहीं कर सकते हम लोग ऐसा, है ना। ऐसा सिर्फ प्लांट्स कर सकते हैं ना। और हम लोग क्या है, हम लोग सबके सब है हीटरोट्रॉप्स, अपन लोग अपना खाना नहीं बना सकते, अपन को किसी और से मांगना पड़ता है खाना, है ना। और सबके सब होते हैं मल्टी सेलर, सारे के सारे एनिमल्स मल्टी सेलर होते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल आ जाएगा ह्यूमंस, अपन लोग, इंसेक्ट्स भी आ जाएंगे इसमें, इसमें वेक्टराइज भी आ जाते हैं, जैसे कि क्या बोलते हैं, कैमिलियन, स्नेक्स, लिजर्ड, ये सारे आ जाते हैं। ठीक है, एम्फीबियंस भी आ जाते हैं इसमें, जैसे कि फ्रॉग, पाइसिस भी आ जाते हैं, पाइसिस बोल तो फिशेस, मछलियाँ। ठीक है, और बर्ड्स भी आ जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स हैं किंगडम एनिमेलिया के। ठीक है, तो इतना ही बहुत है आज के लेक्चर के लिए। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे किंगडम प्लांटे को डिटेल में। ठीक है, और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे किंगडम एनिमेलिया को डिटेल में। ठीक है, तो स्टे ट्यून्ड, आई सी यू, बाय बाय। वीडियो को लाइक करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो। बाय दोस्तों, बाय दोस्तों, कल मिलेंगे।